राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी कवर। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है, किसी भी साइज का आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है इसे बनाने का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रोटी कवर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक फोम लिया है, मैंने इसे गोल शेप में काटा हुआ है। ये साड़ी से निकला हुआ फोम है, आप चाहें तो कैरी बैग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 9x9 इंच है, ये देखिए दोनों ही साइड से 9x9 इंच है। अब यहाँ पे मैंने दो कपड़ा लिया है, ये भी मैंने राउंड शेप में कटिंग किया हुआ है। अगर आपको राउंड शेप में कटिंग करने में परेशानी होगी तो आप प्लेट वगैरह रख के और निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं, इजीली कट जाता है। कपड़े को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है फोम से, तो एक कपड़ा मैंने नीचे रखा है, बीच में फोम रखा है। दूसरा कपड़ा लेंगे, इस तरीके से तीन फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और अब हम इसे, ये देखिए, नाखून से प्रेस करेंगे, इस पर क्रीज बिठा लेंगे, जिससे क्या होगा कि इस पर निशान पड़ जाएगा हल्का हल्का, तो आपको सिलने में परेशानी नहीं होगा। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो निशान दिख रहे हैं ना हल्के हल्के, वीडियो में पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, आप जब करेंगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पर हम जो चौक होता है ना उससे निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने निशान को डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब इसे हम पिनअप कर लेंगे ताकि सिलने में परेशानी नहीं होगा, कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो आप इसे अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पिनअप कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, जो निशान है उस पर सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद साइड में भी आपको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, बीच में भी मैंने सिलाई लगा लिया है और साइड में भी लगा लिया है। तो इसी तरीके से हमें एक पीस और तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने दो पीस तैयार कर लिया है। अब एक को हम साइड में रखेंगे और एक पे कहीं भी निशान लगाएंगे। तो चौक के हेल्प से कहीं भी इस सर्कल पे निशान लगा लेना है। और अब इंची टेप लेना है, ये देखिए इस तरीके से राउंड में रखते जाना है, और जहाँ से निशान है वहाँ तक आपको इंची टेप को ले जाना है और देख लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये देखिए 28 इंच आ रहा है जहाँ पे हमने निशान लगाया था। तो अभी हमें क्या करना है कि एक कपड़ा लेना है, और वो जो सर्कल था वो 28 इंच पे आ रहा था, तो उसे हमें 4 या 5 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 33 इंच का कपड़ा लिया है। पहले आपको कपड़ा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि आप कम लेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। और यहाँ पे मैंने सेम साइज़ का एक और कपड़ा लिया है, और कपड़े के साइज़ का ही हमें एक और फॉर्म शीट चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप जो कैरी बैग होता है ना उसे ले सकते हैं कटिंग करके। तो जो दोनों कपड़ा है उसे ऊपर और नीचे रखना है, और जो फॉर्म सीट है उसे बीच में रखना है, और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। इसे भी हमें पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुई के हेल्प से कर रही हूँ पिनअप, और चारों तरफ से इसे पिनअप करने से क्या होगा कि जब हम सिलाई करेंगे तो कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और इसे आप आसानी से सिल सकते हैं। तो आप रेंडमली किसी भी तरीके से इसे सिल सकते हैं, आप चाहे जैसा इस पर डिजाइन बना सकते हैं। इस तरीके से आप लाइनिंग लाइनिंग में भी सिलाई करके और फिर लंबाई में भी सिलाई कर सकते हैं, बॉक्स जैसा बना सकते हैं सिलाई करके। तो ये देखिए, सिलाई मैंने कर लिया है और इस पर मैंने बॉक्स जैसा बनाया हुआ है सिलाई करके। अब हमें इंची टेप लेना है, और जो ये कपड़ा है उसके साइड में 3 इंच पर निशान लगाना है, और ऊपर भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे सीधा कर लेंगे, मतलब कि लाइन खींच लेंगे और इस पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे हम साइड में रखेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच पे, और पूरे ही कपड़े पे लगा लेना है नीचे के साइड में। ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच पे, यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो पूरे कपड़े पे हमने निशान लगा लिया है, और अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो एक स्केल के हेल्प से इस पर सीधा लाइन खींच लेंगे, ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया इसको सीधा कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। ये
ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हमें चाहिए एक जिप, तो यहाँ पे मैंने जिप लिया हुआ है, कपड़े के सेम साइज का जिप होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जिप है उसे हमें उल्टे साइड को रखना है कपड़े के ऊपर, ये देखिए। और इस पे लंबाई में पूरा मतलब लास्ट कपड़े तक सिलाई कर लेना है, और उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच कर लेना है, ये देखिए। तो मैंने कपड़े के ऊपर जो जिप है वो उल्टा रखा, उसके बाद सिलाई कर लिया, उसके बाद टॉप स्टिच कर दिया। ये जो हमने पट्टी काटा हुआ था इसको भी हमें ये जो जिप है इसके ऊपर रखना है, और उसके बाद इस पे भी सिलाई लगा के और पलट के टॉप स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जिप को लगा लिया है। और ये जो हमने 3 इंच का कपड़ा जो कटिंग किया था, तो अब इसे हम साइड में ज्वाइंट कर लेंगे, तो इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए और इस तरीके से इसे फिनिशिंग दे देंगे। दोनों ही साइड से कपड़े को फोल्ड करना है, ये देखिए, और जो सिलाई का कपड़ा है उसे फिनिशिंग करते हुए और इस पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो राउंड वाला पीस है वो लेना है, और उसके बाद जो ये हमने तैयार किया था पट्टी ये लेना है। और ये देखिए इस तरीके से गुलाई में जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा कपड़ा आपको छोड़ लेना है, ये देखिए थोड़ा सा आपको कपड़ा छोड़ना है, उसके बाद आप इसे पिन अप कर लीजिएगा तो सिलने में आसानी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको चारों तरफ से पिन अप कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, वो हम सिलाई करने के बाद कटिंग करेंगे। तो इस पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है, और ये जो दोनों कपड़ा है इसे छोड़ते हुए सिलाई लगाना है आपको चारों तरफ से ही। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है चारों तरफ से। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो रोटी कवर का हाइट वाला जो कपड़ा है ना, जो पट्टी हमने जिप लगा के तैयार किया था, इसे आपको एक्स्ट्रा ही लेना है। बाद में आप सिलाई करने के बाद कटिंग कर लीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए अब इस तरीके से हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद मतलब कि उल्टा साइड को पलट लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड को मिलाते हुए। तो ये देखिए दोनों ही साइड को मिलाते हुए मैंने सिलाई कर लिया है, तो इसे भी हम फिनिशिंग मतलब देंगे। तो कपड़े को लेंगे एक और इसके ऊपर दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, अब इसे हम पलट देंगे सीधी साइड को। और पलटने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा खुला रहेगा, क्योंकि अभी हमने दोनों पट्टी को मिलाते हुए ज्वाइंट किया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा खुला रहेगा। तो अब इस पे आपको सिलाई लगा लेना है और सिलाई में मिलाते हुए लगाना है। तो ये देखिए ये हमने सिल लिया है। और अब हमें एक कोई भी कपड़ा चाहिए, आप मैचिंग का भी कपड़ा ले सकते हैं या कोई अलग कलर का भी ले सकते हैं। अब जो ये राउंड में हमने सिलाई किया था ना, तो इसे भी हमें फिनिशिंग देनी है। तो इसी कपड़े से हमें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देना है। तो ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है, और अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो दूसरा वाला राउंड वाला पीस है वो लेंगे, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए इस पे बीच में निशान लगा लेना है, और दूसरे साइड को भी इसी तरीके से बीच से फोल्ड करना है और इस पे भी निशान लगा लेना है, सीधी सी लाइन खींच लेना है। अब निशान लगाने के बाद हमें एक स्ट्रिप बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए 3-4 फोल्ड करते हुए कपड़े को और इस पे सिलाई लगा लिया है, और ये स्ट्रिप जैसा बन गया है। तो जो हमने निशान लगाया उस पे इस तरीके से सेट करते हुए और इस पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए इसका हैंडल बन के तैयार है। अब ये वाला हिस्सा हमें लेना है, और जहाँ पे हमने 3 इंच का पट्टी लगाया था, ज्वाइंट किया था, वहाँ पे आपको बीच में निशान लगा लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और ये जो हमने ऊपर का बनाया हुआ है लीड, इसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए जहाँ पे हमने निशान लगाया है और पिन अप कर लेना है। अगर आपको राउंड में सिलाई करने में परेशानी होगा तो आप पहले कच्चा सिलाई कर लीजिएगा सुई धागे से, तो बहुत ही आसानी से सिल सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, ये देखिए अब इसे भी हम फिनिश करेंगे। तो जो ये पट्टी हमने लगाया था नीचे वहीं वाला लेंगे और सेम तरीके से इस पर फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है कपड़े को लगाते हुए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो रोटी कवर है तैयार है।
और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इसे छोटा या बड़ा बनाना हो तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला सर्कल वाला पार्ट है या नीचे वाला, इसे छोटा रखना है और बीच वाला जो पार्ट है उसी के हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।